हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल repairthemobile.com। इस वीडियो में आज सैमसंग बैटरी का जो कनेक्टर होता है उसको कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो कनेक्टर लगा हुआ है एक तरफ से डैमेज है, तो उसी को आज हम चेंज करेंगे। मेरे पास एक दूसरा कनेक्टर है, उसका जो कनेक्टर है वो अच्छा कंडीशन में है, उसी को हम बैटरी में लगाएंगे। SMD मशीन का टेम्परेचर को 250 डिग्री सेल्सियस और AR को 30 में सेट करके बैटरी कनेक्टर को रिमूव करना है। कभी भी बैटरी कनेक्टर को निकालने के टाइम में जल्दबाजी ना हो। देखिए कितना आसान से बैटरी कनेक्टर रिमूव हो गया है। सेम टेम्परेचर में और एयर स्पीड में इसी को भी निकाल देंगे। कनेक्टर में जो प्लास्टिक पार्ट लगा हुआ है वो जनरली 300 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम कम टेम्परेचर सेट करके सोल्डर को मेल्ट करके कनेक्टर को निकालेंगे। देखिए कैसे आराम से कनेक्टर निकल गया है। ये प्रिंट में PPD पेस्ट अप्लाई करके मिक्स कर देंगे। अभी IPA या फिर थिनर से जो फ्लक्स रहता है उसको क्लीन कर दीजिए। जो अच्छा वाला कनेक्टर है उसी को पहले प्रॉपरली अलाइन कीजिए और उसके बाद हॉट एयर मशीन से सोल्डर करेंगे। अभी टेम्परेचर को 230 डिग्री सेल्सियस में सेट करेंगे, क्योंकि अभी हम PPD पेस्ट यूज किए थे तो अभी कम टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाएगा। जो PPD पेस्ट रहता है वो जनरली 183 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है।
अभी थोड़ा सोल्डर फ्लक्स लगा के एक बार कनेक्टर को रिफ्लो कर देते हैं। रिफ्लो करने से वो अपने आप अपने जगह में प्लेस हो जाएगा। देखिए कैसे अपने जगह में वो सेट हो गया है। अभी कनेक्टर को अच्छे से आईपीए या फिर थिनर के मदद से साफ कर दीजिए। आप देख सकते हैं उसका जो सोल्डरिंग हुआ है उसका क्वालिटी कितना अच्छा और बेहतरीन है। Thanks for watching this video.